के हो रे हरा चुगर दरा के बोल रहा है भैया पक्षी पक्षी कैसे हो भाई चुन्नू मुन्नू अच्छे हैं सर। ले भाई आज तो हमने पक्षी बनावांगे भी उड़ा के दिखावांगे भाई। आज आप लाए हैं भाई लड़ो SCRT कक्षा पहले विषय इंग्लिश पाठ है 13वां बर्ड्स अराउंड अस। बर्ड्स अराउंड अस हमारे चारों ओर के पक्षी। हमारे चारों ओर के पक्षी। ले भाई बूढ़ा आदमी बैठा है पेड़ के नीचे ठाटते है और यू देखन लग रहा है पक्षिया ने दाना चुगे हैं कबूतर मुर्गे घूगी कुछ उड़े से भाई आसमान में बत्तख तरे है भाई पानी में कौआ बैठा सब आए। तो अपने चारों ओर जो पक्षी हुए हैं उसके बारे में चर्चा करांगे। हमने तो आवाज भी आवा है भाई इनकी आवा है नी। हाँ जी। तो भाई नू बताओ बत्तख किसी है भाई रंग में। वाइट वाइट है भाई। यार तू कर बोलिया करा बत्तख है। क्वेक, क्वेक, क्वेक। और भाई कौआ किस है रंग का। ब्लैक ब्लैक काला है भाई। क्यों कर बोलिया करा हरियू का, का। का, का। और भाई गुटरू गु के बोल रहा है। कबूतर कुकड़ू कु के बोल रहा है। मुर्गी मुर्गा जो सवेरे उठा कर है अपने बखते तो उठा कर है। यू इसकी आदत है बखत उड़न की। और भाई आदत है इसकी सवेरे की। और भाई इसकी आदत है कौवे की कां कां करण की। और भाई मांस मिट्टी भी खा जाए रोटी राटी भी खा जाए। यू दाने खा कर है कबूतर भाई गुटर गु अपने घर में घोंसला बना लिया या पानी में तैरिया करा है भाई बत्तख है। और भाई पक्षी ये कीड़े मकोड़े भी खावे है अन्न के दाने भी खावे है उड़ा है भाई घोंसले बनावा अपने। चिड़िया देखी होगी ना तुमने। हाँ जी। तो भाई और भी बहुत से पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करांगे इसमें भी कि मैं पक्षी दिखे है भाई तुमने भाई। हाँ जी। पीजन पीजन कबूतर कबूतर पिकोक पिकोक मोर मोर ये अपना राष्ट्रीय पक्षी भी है भाई। पैरेट तोता पैरेट तोता क्रो कौआ क्रो कौआ डक बत्तख डक बत्तख हैन मुर्गी हैन मुर्गी। तो भाई इसमें यूं बताओ कोई भी एक पक्षी के बारे में बात कर लिया पे मान लिया जैसे कौवे के बारे में बात करांगे तो इसका नाम बताना है भाई तुमने दिस इज ए क्रो यह एक कौवा है। व्हाट इज द कलर ऑफ द बर्ड इस पक्षी का रंग कैसा है। कलर ऑफ द बर्ड इज ब्लैक यानी कि काला है कौवा। व्हाट डज द बर्ड ईट ये क्या खाता है पक्षी। इट ईट्स फूड एंड मीट फूड एंड मीट भोजन और मांस मिट्टी खाता है भाई। वेयर डज द बर्ड लिव ये कहां पर रहता है। पेड़ों पर घोंसला बना के छोटा सा घोंसला हुआ वैसे इसका। कैन यू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द बर्ड क्या आप इस पक्षी की आवाज निकाल सकते हैं। हाँ जी। बुलाइयो का, का, का। How many birds do you see in the picture given below? नीचे दिए गए इस तस्वीरों में आप कितने पक्षी देखते हो। छह पक्षी हैं भाई। अलग अलग आवाज काटेंगे तो इनकी आवाज भी काट कहाँ पे गुटरगु है प्याओ प्याओ है टै टै का का क्वैक क्वैक कुकड़ू कु। ठीक है ना भाई। ठीक है जी। आगे है भाई टिक द बर्ड विच स्विम्स इन वाटर जो पानी में तरह है नी उसके निशानी लगाओ भाई। तोता तरह है बत्तख तरह है मुर्गी तरह करा है। बत्तख बत्तख का निशानी ला देंगे भाई। बिगेस्ट बर्ड कौन सा इसमें है। यू कौवा है कि मोर है कि मुर्गी है। मोर मोर सबसे बड़ा है भाई। यार भाई इसमें यू बताना है जो सबसे ज्यादा तेज उड़ सकता है इनमें से मुर्गी तेज उड़ेगी कि बत्तख कौवा। कौवा तेज उड़िया करा है भाई। तमें तो जमा होशियार हो गया भाई सारे जवाब दे ओ हो। ई बागे भाई यहाँ अपने वर्ण है छोटे वर्ण भी हैं ABCD की वर्णमाला। और भाई इनके ऊपर आपने पेंसिल चलानी है और ये छोटे वर्णमाला है भाई। छोटा का मतलब नहीं को नहीं कहते सोचो ये ABCD बाद में जमी है और वह बड़ी ABCD पहला जम रही थी। इसका मतलब न्यू को नहीं होता। इसका मतलब है पहला जो शब्द का कई बार वाक्य शुरू हुआ है तो पहला अक्षर बड़ा अक्षर जो कर ए बड़ा है इसमें बाकी के ये छोटे हैं। देखो ए ये छोटे हैं सारे
इसमें वाक्य का पहला अक्षर बड़ा हो या बाकी छोटे हो गए स्त्रिया, ये छोटे शब्द के वर्ण बहुत कम आवा। अपने सारे अभ्यास कर लियो भाई, ऊपर को लिखन का कर लोगे? कर लेंगे जी। इसमें है भाई साउंड निकालनी है तुमने, प्रत्येक पक्षी की साउंड, जैसे कौवे की निकाल लो भाई का, का। और भाई मुर्गे की निकाल लो भाई कुकड़ू कू। कबूतर की निकाल लो भाई बुटरुगू बुटरुगू बोलिया करा, नहीं टै टै तोता बोलिया करा, प्याओ प्याओ मोर बोलिया करा है, और भाई कुकड़ू कू मुर्गा, तो इस तरह की आवाज ची ची जैसे अपना चिड़िया बोलिया करा है भाई। तो आगे है भाई मोर का चित्र बनाना है, और यू चित्र तो एक किस्म का तो बनिया बनाया है, ट्रैस कर दियो इसने टुटकने से ही है, और भाई यहाँ रंग भर दियो भाई इसमें रंग बिरंगे, जैसे हरे हरे चंदे हो ऐसे, नीली इसकी गर्दन हो ऐसे, ऊपर या कलगी हो ऐसे, तो भाई यहाँ रंग अपना है और इनमें रंग भर दियो। तो आगे है भाई चुनू मुनुओ अगला पाठ, यू करांगे बाद में भाई, समझ में आया कि मैं? हाँ जी। तो भाई इसे इतना सारा सिलेबस पढ़ा रखा सा, यूट्यूब चैनल ऋकेश का प्रॉपर खेल खेल में शिक्षा दी गई है, फिर गेड़ा मारियो गोल्ड कॉपी जो आगे बैंड दियो, अच्छी तरह याद करियो, इसने कॉपी में लिख लियो, बोलो बच्चों जय हिंद जय।